सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने कॉलेज का मतलब IIIT दिल्ली का एक हॉस्टल टूर करने वाले हैं यार। तो यार तुम्हें सारे टाइप के हॉस्टल दिखाएंगे IIIT दिल्ली में। और यार अगर वीडियोस तुम्हें अच्छी लग रही होगी तो यार वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। तो कोई लाइक एम रखना है बताओ यार? 100 रख देते हैं शायद। 100? तो यार 100 लाइक का टारगेट है, काफ़ी ईजी है, जल्दी से कर दो। वैसे और मैं तो बोलता हूँ 100 मत ही रखे यार, लास्ट टाइम देखा था लोगों ने कितनी जल्दी कर दिया था भाई, 70 बोला एक दिन में ही कर दिया भाई। मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा रख ले। तो चलो यार कोई बात नहीं, आज के लिए 100 रखते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइबर के बारे में बता दो यार कुछ। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार मैं देख रहा था बहुत लोग वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना यार। अरे ठीक है यार, सब्सक्राइब बारे मत ही बोल भाई, इतने अच्छे लोग हैं यार, अपने आप ही सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो ठीक है यार, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो चलो यार चलते हैं फिर, हॉस्टल का टूर अच्छे से करते हैं। वैसे अंकित भी आ रखा था, जैसे तुमने देखा ही होगा पहले वीडियो में, ये कब से बोल रहा है ब्रेड पकौड़े खाने चलो, वैसे आज का खाना थोड़ा सा अच्छा होता है। तो देखते हैं यार, अगर टाइम मिलता है तो मेस भी चलेंगे, और नहीं तो फिर तुम्हें सूट करके अच्छे से दिखाएंगे ये सारी चीज़ें हैं। ये हरमन है और यहाँ का व्यू यार देख लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, तुम्हें बैक कैमरे सभी दिखाते हैं। राइट गाइस, तो यार चलो फिर चलते हैं। आपको यहाँ पे जितनी भी हमारे कॉलेज में बिल्डिंग्स हैं हॉस्टल की, आपको सारे के एक अच्छे से दिखाते हैं, और जो वहाँ पे लोग हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह चीज़ें जानेंगे। तो खैर अभी जो हम लोग जिस बिल्डिंग में खड़े हैं उसका नाम H2 है। और यार वैसे मेरा रूम तुमने वैसे अजय भाई की वीडियो में देख ही रखा होगा, अगर नहीं देखा तो यार यहाँ की तुम्हें आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे एक बार जाके देख लेना, ठीक है। तो यार अभी हम हैं H2 बिल्डिंग में, ठीक है। इसके सिनेमैटिक शॉट्स, हमारे रूम के सिनेमैटिक शॉट्स आपको मिल जाएंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि यार ये रूम कैसा है, ठीक है। तो अब जल्दी से चलते हैं यार, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमें और भी काम करने हैं। तो अब हम जल्दी से चलते हैं, बाकी हॉस्टल्स में जाते हैं। सबसे पहले हम आपको ओल्ड हॉस्टल दिखाएंगे, उसके अंदर ओल्ड हॉस्टल्स के कैसे रूम है आप कंपेयर भी कर लेना जो सिनेमैटिक शॉट्स हम दिखाएंगे, और ओल्ड हॉस्टल्स के अंदर जो नए रूम अब नए नए बने हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलो जल्दी चलते हैं। ओके गाइस, सो वी मिस्ड तो वॉशरूम्स, वो भी देख लो यार जल्दी जल्दी, ठीक है, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से। अभी हमने यार आपको दिखाया था, हमने न्यू हॉस्टल शूट किया अभी अभी, आपने वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो भाई अब कहाँ जा रहे हैं यार? तो अब हम लोग यार ओल्ड वाइज हॉस्टल चलते हैं। आपने न्यू तो देखी है कि ये बिल्डिंग दिखती है देखो, और पता है यहाँ की एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे हर एक रूम में तुम्हें सेपरेट बालकनी मिल जाती है यार, जो कि यहाँ पे नहीं है। यार गाइस अभी सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि यार ये व्लॉग हम लोग एक्चुअली एक दिन बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, उस दिन हम लोग को कुछ काम पड़ गया था तो यार शूटिंग हो नहीं पाई। और तो बस यही, अब हम लोग ओल्ड वाइज हॉस्टल में आ चुके हैं, अब चलो यहाँ का एक्सपीरियंस में दिखाते, बंदों से मिलाते हैं और क्या क्या सीन है सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाँ यार एक्चुअली व्लॉग ना हम दो दिन बाद शूट कर रहे हैं, भाई झूठ कह रहे हैं क्योंकि भाई ने दो दिन से ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ठंडियों का टाइम है ना नहीं आता, दो दिन समझ सकते हो ना। चलो ठीक है ठीक है। तो हाँ यार अब भाई तालिब भी हमारे साथ आ चुका है, ठीक है। हाँ। तालिब भाई भी हमारे साथ हैं और ये व्लॉग और ये जो वीडियो है इसे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हम आ चुके हैं ओल्ड बॉयज हॉस्टल में, इसके रूम्स इसके वॉशरूम्स हम आपको दिखाएंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो
सो गाइज अब हम आ चुके हैं ओल्ड बॉयज हॉस्टल में. तुमने सिनेमैटिक शॉट्स तो सारे देख लिए होंगे. अभी इस वक्त हम हैं सिंगल रूम में ओल्ड बॉयज हॉस्टल के. तो भाई की इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें ओल्ड बॉयज हॉस्टल के बारे में कि ओल्ड बॉयज हॉस्टल में तुम्हें सिंगल रूम मिलता है, डबल रूम मिलता है, और इसके साथ एक एक्सटेंशन भी है जो अभी अभी एक नई बिल्डिंग इन्होंने बनाई है जो एकदम न्यू बॉयज हॉस्टल की तरह है. वो रूम भी अभी हम तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है? तो चलो यार अब भाई से मिल लेते हैं. तो भाई का नाम है यार उद्भव गुप्ता. हाँ, तो यार ये रह रहे हैं सिंगल रूम में और अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो शायद तुम्हारे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिससे तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? अब संदीप भाई क्वेश्चंस पूछेंगे. तो यार उद्भव भाई ये चीज बताओ कि इस रूम का तुम्हें रेंट कितना देना होता है पर सेमेस्टर? मुझे पर सेमेस्टर देने पड़ते हैं 37,500. अच्छा, और वैसे ये तुमने सिंगल ही क्यों सिलेक्ट करा, मतलब कोई रीजन था, मतलब क्या चीज़ है? हाँ, रीजन तो ये है कि मतलब ये मेरा लेक्चर हॉल से पास पड़ता है इसलिए मैं ओल्ड बॉयज हॉस्टल में हूँ. तो यार उद्भव भाई जैसे कि न्यू हॉस्टल भी है, तुमने वहाँ पे लेना क्यों नहीं प्रेफर करा, यहीं पे क्यों लिया, इसके मतलब आई मीन तुम्हें क्या एडवांटेजेस लगे, तो वो चीज़ बताओगे कुछ? देखो यार एक्चुअली ये है कि न्यू वाले हॉस्टल में क्या है कि वहाँ पे सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है और सिंगल रूम सिर्फ ओल्ड बॉयज हॉस्टल में अवेलेबल है. और ये बात ये है कि यहाँ से जो इस लेक्चर हॉल का दूरी है वो बहुत कम है रादर देन मैं न्यू हॉस्टल में अगर जाऊँ तो. अच्छा, तो मतलब जैसे कभी कभार कैंटीन वगैरह जाना हुआ या कहीं जाना हुआ तो ओवरऑल चीजें पास पड़ जाती ना. हाँ, तो ये चीज काफी सही है यहाँ की, ठीक है? तो यार यूडी भाई, वैसे इनका नाम यूडी भी है, तो यार यूडी भाई तुम ये चीज बताओ यहाँ का तुम्हें एक्सपीरियंस कैसा लगा इस रूम में रहने का, मतलब बाद एसी वगैरह सही चलता है या नहीं, वॉशरूम्स कैसे हैं वगैरह वगैरह, तो सारा एक अच्छे से बताओ तुम क्या सीन है. देखो एक्चुअली मुझे क्या प्रेफर था कि मैं सिंगल में ही रहूं क्योंकि मुझे डबल के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने सिंगल रूम लिया. और रही बात वॉशरूम वगैरह की, वो सारे ही अच्छे हैं यहाँ पे. रोज क्लीनिंग होती है जैसे कि न्यू वाले में होती है, सेम वैसे यहाँ भी रोज क्लीनिंग होती है. और खैर ये 10 साल हो चुके हैं इस हॉस्टल को, सो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, तो ओवरऑल बहुत सही है मतलब अच्छा. और भाई एसी वगैरह के बारे में बताओ और गर्म पानी के बारे में भी. एसी का ये है कि मतलब अगर तुम्हारा न्यू वाले में 10 मिनट लगता है तो यहाँ पे 20 मिनट लगता है ठंडे होने में. और अच्छा, वो गर्म पानी भी सेम, अगर वहाँ पे 5 मिनट लगता है तो यहाँ पे 10 मिनट लगता है, सेम वही. मतलब इस वाले एसी को भी ऑन होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है. मैंने भी फील करा, थोड़ा पुराना हो चुका है तो. मैं समर में यहाँ पे रुका था तो मैंने भी देखा था कि यहाँ पे यार थोड़ा टाइम लगता है एसी को ऑन होने में, उसका कंप्रेसर जो है. बट ओवरऑल सही एक्सपीरियंस है यहाँ पे. तो चलो यार जैसे कि भाई ने बता दिया अपना पूरा एक्सपीरियंस, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी कोई तुम्हारा क्वेश्चन रह गया हो तो भाई का यार इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में तुम्हें मिल जाएगा. भाई का नाम है उद्भव, ठीक है? तो जाके तुम सीधा मैसेज कर देना और तुम्हें भाई सारे रिप्लाई दे देंगे. अब हम चलते हैं यार ओल्ड बॉयज हॉस्टल में जितने भी वॉशरूम्स वगैरह हैं एक बार तुम्हें टूर दे देते हैं. न्यू का हमने तुम्हें दिखा दिया था, अब एक बार ओल्ड का दिखा देते हैं. चलो सो गाइज मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया था, ये मैं बता देता हूँ आपको. यहाँ पे ओल्ड बॉयज हॉस्टल में क्या है कि तुम्हें एक सेपरेट बालकनी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है और न्यू में नहीं मिलती है. तो उद्भव भाई से जानते हैं कि यार यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है. पहले तो चलो आपको दिखा देते हैं बालकनी. ओ भाई अच्छा, तो उद्भव भाई यहाँ का क्या सीन है, कैसे कपड़े यहाँ पे, कोई रस्सी वगैरह बांधते हो तो मतलब सुखाने के लिए, क्या सीन है? नहीं देखो मैं यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, यहाँ पे कपड़े सुखाने होते हैं. अच्छा, तो, यहाँ पे और यहाँ से व्यू भी सही बहुत सही मिलता है. अगर तुम्हें जानना हो कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में क्या हो रहा है तो तुम यहीं से देख सकते हो. और अच्छा, बाकी अगर तुम्हें हाथ वगैरह भी वॉश करने हो तो तुम यहाँ पे वॉश कर सकते हो. अच्छा, ग्राउंड है वैसे एक बार, और ये तुम्हें न्यू वाले में नहीं मिलेगा. अच्छा, तो ओवरऑल ये चीज़ यार यहाँ की थोड़ी सही है. और यहाँ पे स्क्वायरल्स भी आती हैं तो उन्हें भी मैं कभी कभी खाने खिला देता हूँ. अच्छा वाह यार, ये चीज़ काफ़ी सही है. तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं ओल्ड बॉयज हॉस्टल के वॉशरूम्स में, ठीक है? तो यार वॉशरूम्स न्यू बॉयज हॉस्टल जैसे तो नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छे हैं बट उतने अच्छे नहीं है. तो चलो मैं तुम्हें जल्दी से सारा का सारा सिनेमैटिक्स में दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये देखो यार अभी हम ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल के साइड है, अब हम यहाँ से जाएंगे. ये ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल को जाता है रास्ता और ये जाता है एक्सटेंशन को, ठीक है? अब इसमें जाएंगे यार,
देख रहे हो बिल्कुल न्यू की तरह है ये। हॉस्टल के एक्सटेंशन के यहाँ के कुछ वॉशरूम वगैरह दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखते हैं। तो चलो यार एक बारी मैं बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ। हमने तुम्हें ऑलमोस्ट सारे हॉस्टल्स दिखा दिए हैं, तो अब हम जल्दी से यार तुम्हें एक कंक्लूजन दे देते हैं हॉस्टल्स के बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यार न्यू बॉयज़ हॉस्टल्स की। तो हमारे यहाँ पे दो न्यू बॉयज़ हॉस्टल है, H1 और H2, तुम्हें पता ही होगा मैंने वीडियो में बता दिया था। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो थोड़ा डिस्टेंस पड़ता है वो थोड़ा दूर पड़ता है। ठीक है भाई, तुम्हें बता देंगे ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल के बारे में। तो यार देखो टू बी ऑनेस्ट यार, एक्चुअली मैं समर में ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल में भी रहा था। तो यार जो ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल का डबल रूम है ना, वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस उतना सही नहीं था, बिकॉज यार वो रूम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तो तुम्हें दिक्कत होती थोड़ी सी। ठीक है, अगर वहाँ पर तुम्हें एक्सटेंशन मिल रहा है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, क्योंकि यार वो वहाँ तुम्हें न्यू जैसी तो फीलिंग मिलेगी ही मिलेगी, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट रूम है एकदम न्यू बॉयज़ हॉस्टल जैसे। ठीक है, और यार एक चीज़ एक दूसरे दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि यार वहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें पास पड़ती हैं, जैसे तुम्हें कभी कैंटीन जाना हुआ या तुम्हें स्पोर्ट ब्लॉक में कुछ खेलने मिलने जाना, समझ रहे हो ना, लेक्चर हॉल सारी चीज़ें वहाँ से पास हैं, तो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा अकॉर्डिंग टू मी। तो ये चीज़ है यार। तो गाइज यार वीडियो के लिए बस इतना ही था, और अब तुम सोचोगे कि यार फीस वगैरह कितनी है, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन जितना भी हम एकदम डिटेल्ड में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन एरिया में बता देंगे, क्योंकि वीडियो में बताना इतना सही नहीं रहता, कोई चीज़ मिस हो जाती है, पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके पढ़ लो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस आउट दोस्तों। तो यार हमारे 400 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।